तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली यहाँ पे सचिन सागर 2.0 के बारे में और भी जो न्यूज है वो भी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में डाउट था कि कहीं ये भी गेम जो है 3GB रैम को भी सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जो RC22 आया है उनके साथ भी कोलैबोरेशन है, लेकिन यहाँ पे वो गेम आपको 4GB रैम में देखने को मिलता है। अगर 3GB रैम में चलता है तो अटक के चलता है, और काफी सारे जो यूजर्स थे उनका डाउट आ रहा था, फैंस का डाउट आ रहा था कि भाई साहब यहाँ पे ये गेम जो है कितने GB रैम में चलेगा, साथ ही साथ इस गेम का साइज क्या होने वाला है। और यहाँ पे एक स्पेशल फीचर के बारे में पता चल चुका है ऑफिशियली, जैसे कि आपको पता है मैंने कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था कि गेमिंग गॉड प्रो का चैनल सब्सक्राइब भले ही करो, यानी यहाँ पे करना ही चाहिए आपको उनका चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के चैनल पे अपडेट्स आपको सचिन सागर 2.0 की देखने को मिलेंगी। उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ सचिन सागर के ऑफिशियल पेज को यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे कितने MB का गेम होगा, तो नियर अबाउट 500 और 600 MB के आसपास आपको गेम देखने को मिलेगा। इस गेम का साइज कुछ ज्यादा नहीं रहने वाला क्योंकि गेम फुली ऑनलाइन है अभी, हालांकि आने वाले समय में थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करके इसको ऑफलाइन मोड में भी लेके आया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा RC22 जो है या फिर WCG3 की बात करें तो वो क्विक प्ले जो है हम ऑफलाइन खेल सकते हैं, फुली ऑनलाइन गेम नहीं है। अगर सर्वर वगैरह डाउन होता तो इतना ज्यादा इशू नहीं होता, तो ऐसा ही कुछ काम इनको भी करना होगा, यानी करेंगे वो। उन्होंने ये बोला है कि आने वाले समय में हम इस चीज पे भी जो फोकस करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितने GB रैम डिवाइसेस में चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1GB डिवाइसेस के लिए तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि 1GB रैम डिवाइस का फोन जो है आजकल बहुत कम है, यानी बहुत कम मोबाइल्स हैं जिनकी 1GB रैम डिवाइस हो, यानी 1GB रैम हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2GB रैम में, तो 2GB रैम में मे बी यस मे बी नॉट, यानी यहाँ पे चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। अगर हम बात करें 3GB, तो 3GB के लिए डेफिनेटली चलने वाला गेम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम बनाई है कंपनी ने, बहुत ज्यादा मेहनत की। अगर हम बात करें उस स्पेशल फीचर की जो किसी भी गेम में अभी तक हमें नहीं देखने को मिला, वो फीचर और कोई नहीं बल्कि इंजरी का फीचर। आपको पता होगा कि अभी तक जितनी भी क्रिकेट गेम्स आई हैं उसमें प्लेयर को बॉल लगती है वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर से खेलने लग जाता है, यानी थोड़ा बहुत वो अपनी चोट को या फिर निहारता है, यानी कुछ रिएक्शन वगैरह करता है, लेकिन उसके बाद वो फिर वैसे ही खेलने लग जाता है, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट उस पर होता नहीं है। लेकिन सचिन सागर 2.0 में हालांकि फर्स्ट रिलीज में तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन आने वाले समय में यानी उसमें अपडेट्स के जरिए या फिर उसका जो फुल वर्जन वगैरह कुछ भी होगा या अपडेट्स आएंगे, तब यहाँ पे ये फीचर ऐड कर दिया जाएगा कि प्लेयर जो है इंजर्ड भी होगा। जी हाँ दोस्तों, प्लेयर टायर्ड हर्ट हो जाएगा खुद ब खुद जब उसे बॉल जो है ज्यादा जोर से लगेगी। अगर हम बात करें इस गेम के ऑफिशियल रिलीज के बारे में, तो आपको जो है फर्स्ट रिलीज इसका देखने को मिल सकता है इस मंथ के एंड तक। तो बस सर इतना था आज की वीडियो में, और गेमिंग गॉड प्रो के चैनल को 101% सब्सक्राइब कर लेना और उनके जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइबर्स कम से कम 500 या फिर 1K करवा दो। तो बस सर इतना था आज की वीडियो में।